हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। गोलियों के बौछार से ग्रेटर नोएडा एक बार फिर गूंज उठा। मीटिंग के दौरान तीन पार्टनर के बीच हुए झगड़े में दो पार्टनर की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामूली कहासुनी को लेकर गोली चली थी, जिसमें एक पार्टनर ने पहले दो अपने साथी पार्टनर को गोली मारी, उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। कंपनी के मीटिंग के विवाद में गोली चली थी, जिसमें दो की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और पुलिस घटना की जानकारी में जुट गई है। पूरी घटना उस समय की है जब बादलपुर थाना क्षेत्र के छपरौला में केबल बनाने वाली कंपनी, जिसका नाम यूपी टेलीलिंक है, इस कंपनी को चलाने वाले तीन पार्टनर थे। जब पार्टनर्स की कंपनी के अंदर मीटिंग हो रही थी, तभी पैसे के विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। प्रदीप को अचानक से गुस्सा आया और उसने गोली चला दी। देखिए, यहाँ पे एक पब्लिक कमेटी कंपनी है यूपी टेलीलिंक, उनके डायरेक्टर्स की आज बैठक हो रही थी कुछ फाइनेंशियल मैटर्स से, जिसको लेकर तीनों डायरेक्टर्स आपस में वार्ता कर रहे थे। अब तक की जानकारी से पता चला है कि इसी फाइनेंशियल मैटर को लेकर कुछ बात पड़ गई और उसमें से एक डायरेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर से दूसरे डायरेक्टर के ऊपर फायर किया और फिर जो तीसरे डायरेक्टर जो बाहर की तरफ निकल रहे थे उनके ऊपर भी फायर किया और उसके बाद स्वयं को भी गोली मार ली। इस तरह की घटनाक्रम अभी सामने आया है। इसमें मौत किस किस की हुई? इसमें आगे हम लोग केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें जो मृत्यु हुई है वो प्रदीप जी की हुई है, नरेश जी की हुई है, प्रदीप नरेश की मृत्यु हुई है, और डॉक्टर और जो तीसरे हैं राकेश जी, वो यहाँ चिकित्सालय में हैं लेकिन उनकी तबीयत ठीक है। इस गोलीकांड की पूरी घटना में गोली चलाने वाले प्रदीप ने खुद को भी गोली मार ली, जिसमें गोली चलाने वाले प्रदीप व नरेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल राकेश को एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल कंपनी के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ भूपेश प्रताप, Time 24 न्यूज़। Time 24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का।